आज हम बनाएंगे खड़े मसाले का मटन। उसके लिए मैंने ये कुकर चढ़ा लिया है। अब हम इसमें डालेंगे कुकिंग ऑयल। अब हम इसमें डालेंगे कुछ खड़े गरम मसाले। तो थोड़ा सा मैंने जीरा ले लिया है, दो छोटी इलायची, एक बड़ी इलायची, 8-10 काली मिर्चें, 5-6 लौंगे और 2 दालचीनी के 1-1 इंच के टुकड़े ले लिए हैं। अब ये गरम मसाला हम ऑयल में डाल देंगे। अब ये ले ली है मैंने 4-5 डली प्याज की, तो उनको इस तरह से बारीक बारीक काट लिया है। तो प्याज इसमें थोड़ी ज़्यादा ही डलेगी। अब हम प्याज को हल्का सा फ्राई कर लेंगे। हमें प्याज को गोल्डन नहीं करना, बस हल्का सा पिंक कलर आने तक ही इसे फ्राई करना है। अब हम इसमें डालेंगे ये 2 इंच का अदरक का टुकड़ा है बारीक कटा हुआ, 8-10 लहसुन की कलियाँ बारीक कटी हुई, 2-3 हरी मिर्ची हैं और 2-3 खड़ी लाल मिर्चें हैं बारीक कटी हुई। तो प्याज हमने ज़्यादा डाली है और प्याज थोड़ी मीठी होती है, इसलिए हम हरी मिर्चें और खड़ी मिर्चें थोड़ी ज़्यादा डाल रहे हैं। अब इस सबको हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। देखिए हमारी प्याज अच्छे से सॉफ्ट हो गई है और हल्का पिंक कलर आ गया है। अब हमने ले लिया है ये 1/2 kg मटन। तो अच्छे से इसको वॉश करके इसका सारा पानी निकाल दिया है। अब हम इसमें मटन डाल देंगे। मटन डाल के हम इसको अच्छे से भून लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच नमक। अब हमने मटन अच्छे से भून लिया है इसमें, तो मटन जल्दी गल जाता है, इसलिए मैं इसमें 1 कटोरी पानी डाल रही हूँ। हमें बस मटन के गलने तक ही इसमें पानी डालना है। अब हम कुकर की लीड लगाकर इसे 10 मिनट के लिए रख देंगे बिल्कुल लो फ्लेम पे। हमारा मटन अच्छे से गल जाएगा। 1 सीटी इसमें जैसे ये आ जाएगी तो हम गैस का फ्लेम बिल्कुल लो पर कर देंगे। अब 10 मिनट हो गए हैं, हम चेक कर लेंगे हमारे मटन को। ये देखिए इसका सारा पानी खुश्क हो गया है। अब हम मटन चेक कर लेंगे, ये हमारा मटन भी अच्छे से गल गया है। अब इसमें जो कुछ पानी है हम हल्का सा इसको और भून लेंगे और साथ में डाल देंगे हम ये बारीक कटा हुआ हरा धनिया। बस ऑयल ऊपर आने तक हम इसे भून लेना है 1-2 मिनट। ये देखिए इसमें ऑयल ऊपर आ गया है और सारा पानी भी खुश्क हो गया है। ये देखिए कितनी जल्दी से बनकर तैयार हो गया हमारे खड़े मसाले का मटन। देखिए हमारा मटन तैयार है।